आए हम खुदाम के कलाम की तरफ बढ़ते हैं और खुदाम के कलाम में से आज हम देखते हैं कि हमें इस दौर के अंदर क्या दुआ करनी है। गुज़श्ता 3 हफ्तों में हमने देखा कि जब हम दुआ कर रहे हैं तो फिर हमने जाना कि हम किस रैलम के अंदर दुआ कर रहे हैं, फिर हमने जाना कि हमें कौन सी ऐसी रुकावटें हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी दुआ को कबूल नहीं होने देते। और फिर लास्ट संडे मैं आपको डिस्कस कर रहा था, आपके साथ शेयर कर रहा था कि दुआ जो है वो किस माइंडसेट से की जाए, किस तरह से की जाए, कौन से एलिमेंट हैं जो दुआ का जवाब लेके आते हैं, दुआ को रिजल्ट ओरिएंटेड बना देते हैं। और हमने देखा कि एलिया की मिसाल के अंदर से कि जब याकूब रसूल के खत में लिखा है कि एलिया ने बड़े जोश से दुआ की, तो उस जोश का मतलब क्या है, उसमें मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई, कुछ एलिमेंट बताए। आज मैं चाहता हूँ हम ज़रा देखें कि हमें आज खुदा की क्या मर्जी है, क्या दुआ करें हम। और ये इसके लिए हमें पता होना चाहिए, इसके लिए हमें तैयारी होनी चाहिए। और मीटिंग शुरू होने से पहले भाई आमिर से बात हो रही थी तो मैं उनसे जिक्र कर रहा था कि अब जो खुदा अपने लोगों से कहीं पे भी बोला और मुझसे हम कलाम हुआ, वो 1 साल के लिए हम कलाम नहीं हुआ 2019 में, जिससे भी हम कलाम हुआ उसने डिकेड की बात की है, अशरे की बात की है, इन 10 सालों की बात की है 2020 से 2030 तक। और ये 10 साल बड़े हैं, बड़े इंपॉर्टेंट हैं, बड़े बड़े काम इसमें होने हैं। हम मसीह यस्सू की आमद के करीब तर होते चले जाएंगे और बड़ी बड़ी पेशन गोयाँ हम पूरी होते देखेंगे इस सारे वक्त के दौरान। अभी आप बहुत सारी चीज़ों का ट्रेलर देख रहे हैं इस पहले साल के अंदर, और खुदा बहुत सारी खूबसूरत चीज़ें चर्च को दिखाएगा और बहुत सी भयानक चीज़ें दुनिया के लिए उसने रख छोड़ी है। तो एक वाजिया फ़र्क खुदा करेगा चर्च के अंदर भी और चर्च और दुनिया में भी। अब इस सारी सिचुएशन के अंदर हम दुआ क्या करें, इस वक्त के आगाज से जब से ये वबा फूटी है कोरोना की, आप देखते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर मुख्तलिफ तरह के ग्रुप्स बन गए और लोग जो हैं चर्चिज में और लोग मुख्तलिफ चर्चिज मिलके भी पूरी दुनिया के अंदर वो इस तरह से इस मीडियम के जरिए ऑनलाइन प्रेयर ग्रुप्स को जो है फॉर्म कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर भी अब ये मूवमेंट चल रही है और काफ़ी बड़े लेवल पे इसको ये फैल रही है। हमने देखा कि लोग सड़कों पर, गलियों के अंदर, चर्चों के बाहर, वो रोड्स के ऊपर दुआएं कर रहे हैं। तो किस चीज़ के लिए हम दुआ करें, मेरा ईमान है कि हम सब लोग अपनी अपनी जगह पे रोज दुआएं करते हैं कि खुदा इस वबा से हमारी जान छुड़ा दे, इस वबा से दुनिया को राहत दे रहे। मैं भी आपके साथ दुआ कर रहा हूँ इसमें, और खुदा की भी ये मर्जी है कि ये इस चीज़ को वो ख़त्म करे। लेकिन एक बात याद रखिएगा, खुदा हमेशा डिजास्टर्स के अंदर से ही अपनी हजूरी को लेके आता है। और आप इसको देख सकते हैं फराउन की एग्जाम्पल के अंदर कि वहाँ पे बार बार खुदा ने जब वहाँ पे अदालत की, जजमेंट की, और एक डिजास्टर था वहाँ पे, डिस्ट्रक्शन थी मिस्रियों के अंदर, लेकिन उन्हीं में खुदा अपने तई जोरावर दिखा रहा था अपने लोगों के लिए। खुदा अपने लोगों के लिए जो उसकी इमदाद के मुंतजर हैं अपने आप को जोरावर दिखाता है, और ये हमारा खुदा है। हमें किस तौर से दुआ करनी है इस सारी सिचुएशन के अंदर। ये सिचुएशन कोई नई नहीं है, याद रखिएगा। अगर आप जकरिया नबी के सहीफे को पढ़ते हैं और मलाकी और उससे पहले दूसरे और हज्जी नबी वगैरह,
तो ये सारे नबी जो हैं ये एक ऐसे दौर के अंदर रहे जो तकरीबन इसी तरह की सिचुएशन में थे, और वहां पे फिर उन्होंने खुदा के उस दिल की आवाज को, खुदा की उस बात को, खुदा के उस जहन को उन्होंने दुनिया के सामने, इसराइलियों के सामने, लोगों के सामने रखा। और जब लोग खुदा की मर्जी और उसके जहन के मुताबिक चलना शुरू हुए तो फिर उन्हीं सिचुएशंस के अंदर खुदा ने उनको सरफराज किया और उनको बहाल किया और उनको बरकत पर बरकत दी। आज मैं यही आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। जकरिया नबी का सीफा देखें तो जकरिया जो है वो हज्जी नबी का तकरीबन बुढ़ापा है और वो उस वक्त मंजरे आम पर आता है। अब ये वो वक्त है हज्जी नबी के दौर में, जुरबाबल, जब बाबल के बादशाह ने इसराइलियों पर हमला किया और उनको असीर करके ले गया, तो उस दौर में वो एक अरसा उस असीरी के अंदर रहे। और खुदा यर्मिया के जरिया से पहले ही वहां के बादशाहों को, इसराइलियों को बताता रहा कि तुम्हें असीरी में जाना जरूर है और मैं वहां पे तुम लोगों को बरकत दूंगा। और वहीं पे हम हिजकियल को भी, दानियल को भी और बाकी नबियों को भी देखते हैं कि खुदा अपने लोगों से बोलता रहे। आस्तर का दौर ही वक्त। तो अब उस वक्त के दौरान में एक वक्त आया कि जब लोगों का एक ग्रुप जो था, एक ग्रोह जो था, वो बादशाह ने, बाबल के बादशाह ने वापस भेजा यरूशलेम में हैकल की और यरूशलेम की बहाली के लिए, और जुरबाबल उनका हाकिम हुआ और उसकी रहनुमाई में तकरीबन 50,000 इसराइली जो थे वो वापस आए उस उजड़े हुए यरूशलेम के अंदर, उस तबाहशुदा हैकल के पास वो फिर वापस आते हैं। और उनका मकसद वहां पे आके ये है कि वो उस मुल्क को बहाल करें, अपने शहर को बहाल करें, वो शहर जो खुदा का शहर है और खुदा का सयून है, वो उसकी फसीलों को फिर से बनाए, वो फिर से उस हैकल को तामीर करें और उस हैकल को वो फिर से उसकी शान शौकत को वापस लेकर आए, वो हैकल जो खुदा के जलाल का मजहर थी, वो हैकल जहां पे खुदा की हजूरी आकर ठहरती थी, वो हैकल जिसकी तरफ मुंह करके इसराइली लोग दुआ किया करते थे ये जानते हुए कि खुदा की हजूरी इस जगह मौजूद है। और सुलेमान के साथ खुदा ने यह वादा किया था कि जो भी इस तरफ मुंह करके दुआ करेगा मैं उसकी दुआ सुनूंगा। सीरी के वक्तों में भी वो अपनी खिड़कियां यरूशलेम की तरफ खोलते और वो दुआ करते थे, एक उम्मीद, एक खुशी, उनकी फतह का निशान, उनकी बहाली का निशान ये था कि यरूशलेम बहाल हो और हैकल बहाल हो। लेकिन उस वक्त हो क्या रहा था, लोग वापस तो आ गए उस शहर के अंदर, लेकिन उन्होंने उसी जले हुए शहर के अंदर रहना शुरू कर दिया, उसी उजड़ी हुई हैकल के चौगिर्द रहना शुरू कर दिया, और उनके अंदर कोई ऐसा जज्बा नहीं पैदा हो रहा, उनके अंदर कोई ऐसा उनका खून जोश नहीं मार रहा कि वो अपने खुदा के लिए कुछ कर दिखाएं। तो वहां पे फिर खुदा का बंदा हज्जी नबी अपने सीफे में कहता रहा, और फिर खुदा ने हज्जी के आखिरी वक्त के अंदर जकरिया को खड़ा किया, और जकरिया नबी जो है वो फरमाता है और वो बोलता है। आए देखें जकरिया का सीफा, उसका 10वां बाब और उसकी पहली आयत, वो क्या कह रहे और खुदा की वहां पे मर्जी क्या है और खुदा क्या चाहता है कि किस तरह की दुआ की जाए। 10वां बाब उसकी पहली आयत में लिखा है, पिछली बरसात की बारिश के लिए खुदावंद से दुआ करो, खुदावंद से जो बिजली चमकाता है वो बारिश भेजेगा और मैदान में सब के लिए घास उगाएगा। खुदा के कलाम का पढ़ा और सुना जाना बाइस में बरकत हो। ये बड़ी नबूवती बात हो रही है, मैंने आपको इसका बैकग्राउंड बताया, अब आपको समझ आ गई होगी कि जकरिया नबी ये कह रहा है कि पिछली बरसात की बारिश के लिए दुआ करो। तो ये वो जो लिटरल मीनिंग में लुघवी मानों के अंदर जो बारिश का जिक्र है ये उसकी बात नहीं हो रही, पिछली बरसात का जिक्र आ रहा है। अब फलस्तीन के उस एरिया के अंदर, उस सारे खित्ते के अंदर, वहां की जमीन के लिहाज से, मौसमों के लिहाज से बारिश होती थी दो वक्तों में, जो बड़ी ही मुफीद होती थी
उन फसलों के लिए, उस जमीन के लिए। एक खिजा की बारिश होती थी जो अक्टूबर और नवंबर के दौरान होती थी, उसके बाद अप्रैल और मार्च और अप्रैल के अंदर दूसरी बारिश होती थी जिसे पिछली बरसात कहते थे, लेटर रेन कहते थे, और वो बरसात जो थी वो पहली बरसात की निस्बत 7 गुना ज्यादा होती थी, और उस बरसात का लोग कसरत से इंतजार करते रहते थे। एक तो बाहर की बरसात थी, मौसम बड़ा खूबसूरत होता था, और साथ ही साथ उस वक्त जमीन को इस कदर ज्यादा उस बरसात की जरूरत होती थी, इसलिए लोग अक्सर कभी मौसम में कुछ लेट होना तो लोग दुआ किया करते थे, अपनी फसलों को लगा के बीज बो के लोग दुआ किया करते थे कि पिछली बरसात बर वक्त हो। और अगर आप इस्तिस्ना 28वां बाब पढ़ें, इस्तिस्ना 28वें बाब की पहली 14 आयत जो है वो बरकतों को जाहिर करती हैं, उसको पढ़े, वहां पे खुदा ने कहा अगर तू मेरे हुक्म मानेगा, मेरे मुताबिक चलेगा, इस आइन पर चलेगा, तो ये बरकतें तुझ पर नाजल होंगी। और उसकी 12वीं आयत में जो एक बरकत लिखी हुई है वो ये है कि मैं पहली और पिछली बरसात बर वक्त भेजूंगा। मौसमों का बर वक्त होना ये खुदा की बरकत है। मैं पहले भी एक दफा मैसेज में ये बात कर चुका हूं कि आप हमारे खित्ते के अंदर देखें कि मौसमों के अंदर बहुत ज्यादा तब्दीली आ गई है। बारिशों का सीजन जो है वो उसका कभी तो मुहित हो गया ज्यादा वक्त पर, कभी कम हो गया। इंटेंसिटी शिद्दत मौसमों के अंदर आ गई है। जो दौरानिया है वो भी बदल रहा है और उनकी इंटेंसिटी भी बदल रही है। एक बात को याद रखिएगा कि खुदा जब भी जज करता है, जब भी अदालत करता है अपने लोगों की, जब भी अदालत करता है जमीन की, तो वो अपने बनाए हुए नेचुरल रिसोर्सेज को इस्तेमाल करता है। अब ये बात मैं इसलिए आपको बता रहा हूं, हो सकता है कुछ लोगों के जहन में आ रहा हो कि कराची में बारिश हुई, बहुत ज्यादा तबाही हुई। नूह के वक्त में हम देखते हैं कि बारिश की वजह से किस कदर ज्यादा तबाही हुई, पूरी दुनिया मिटा डाली गई। तो ये खुदा इन्हीं मौसमों को, इन्हीं नेचुरल रिसोर्सेज को इस्तेमाल करता है जब उसने अदालत करनी होती है। और मैं ये बात बता रहा था कि मौसमों का ये दुरानिया बदलना, इनकी शिद्दत बदलना, इनके जो एक फिक्स्ड टाइमिंग थी उसका चेंज होना, ये असल में अलार्मिंग है। ये खुदा की तरफ से अदालत के आने का एक निशान है। तो मौसम जो है खुदा की अदालत भी लेकर आते हैं। हम बात कर रहे हैं बारिश की, अब पिछली बरसात की बात हो रही है, और मैंने आपको बताया कि ये लेटर रेन बहार के अंदर आती है और ये पहली बरसात से 7 गुना ज्यादा होती है, और ये खुदा की बरकत का निशान है। इस्तिस्ना 28वें बाब में ही आगे आप पढ़ते चले जाएं, और जहां पे लानतों का जिक्र शुरू होता है वहां पे आप अगर पढ़ना शुरू करें तो लानतों में एक लानत ये है कि मैं बारिश पहली और पिछली बरसात वक्त पर नहीं भेजूंगा। तो ये बहुत बड़ी खुदा की बरकत है। पानी जो है, बारिश जो है, ये दो चीजों को जाहिर करता है। एक तो खुदा की तालीम को, और ये तालीम को किस तरह से जाहिर करता है आप इसको पढ़ सकते हैं, इस्तिस्ना 32वें बाब की 2री आयत है गालबन। मैं आपके सामने इस हवाला को पढ़ता हूं। पानी जो है, बारिश जो है, खुदा की तालीम को जाहिर करती है, और 32वें बाब की 2री आयत में यूं लिखा है, मेरी तालीम मी की तरह बरसेगी, मेरी तकरीर शबनम की मानद चपकेगी, जैसे नरम घास पर पवार पड़ती हो और सब्जी पर झड़ियां। आमीन। तो यहां पे हमने देखा है कि खुदा का बारिश पानी जो है उसका एक सिंबल के तौर पे ये इस्तेमाल हुआ, और उसको किसको सिंबलाइज कर रहा है, खुदा की तालीम को। और दूसरा, खुदा के कलाम के अंदर हम बारिश को बतौर पाकरू के बहाव के, पाकरू के फ्लो के, पाकरू के नजूल के तौर पर भी देखते हैं। योएल नबी के सीफे के अंदर 2रे बाब में जो एक पेशन गोई की गई
कि तुम्हारे बुड्ढे ख्वाब देखेंगे, तुम्हारे जवान रोया देखेंगे और तुम्हारे बच्चे जो हैं वो नबूवत करेंगे, वो ईद पेंतिकोस्त के साथ जोड़ी जाती है और कहा जाता है वो ईद पेंतिकोस्त के वाले से। लेकिन खुदा की जो नबूवतें हैं वो हमेशा मल्टीपर्पज़ और मल्टी डायमेंशन होती हैं और वो कभी भी एक जगह पे नहीं रुकती, उनका जो जो इम्पैक्ट है वो लॉन्ग टर्म होता है और बड़ी दूर तक जाता है। आजकल के दौर के अंदर भी स्कॉलर्स लोग ये कहते हैं कि जो ईद पेंतिकोस्त पे पाक रूह का नज़ूल हुआ है वो असल में पहली बरसात है, और पालूस रसूल भी ये कहता है कि रूह हमें बयाना के तौर पर मिला है, मतलब कुछ हिस्सा, लेकिन अभी पाक रूह का भरपूर नज़ूल जो है वो होना है। अब सात गुना से मुराद ये नहीं है कि पाक रूह की कोई लिमिट है, सात गुना से मुराद है भरपूर कसरत से फरावानी के साथ। ये वक्त है कि पिछली बरसात यानी खुदा के पाक रूह के कसरत के नजूल के लिए दुआ की जाए, और ये नजूल जो है इसका रिजल्ट बेदारी है, ये नजूल जो है इसका रिजल्ट बहाली है, और ये नजूल जो है इसका रिजल्ट ये होगा कि खुदा का चर्च जो है, कलीसिया जो है, खुदा के लोग जो है वो सरफराज किए जाएंगे और वो डिफरेंट, वो मुख्तलिफ अलहदा किए जाएंगे। जिस तरह से कुछ सालों से खुदा मुझसे हम कलाम होता रहा और उसने कहा कि मैं चर्च के अंदर से बकरियों और भेड़ों को अलहदा करूंगा, तो भेड़ें जो हैं वो सरफराज की जाएंगी, वो अलहदा की जाएंगी, और वो मसीह यसु के गले में जो उसकी आवाज़ को समझती और सुनती हैं वो सरफराज होंगी इस बेदारी के नतीजे में। तो इसका मतलब है खुदा का नबी जो है वो हमें इस तरफ उभार रहा है कि हम पाकरू के बहाव के लिए दुआ करें, पाकरू की बेदारी के लिए दुआ करें, ये दुआ की जाए कि खुदा का पाकरू कसरत से आए। याद रखें, हम जितना मर्जी दुआ करते रहें कि ये कोरोना ख़त्म हो जाए, ये उस वक़्त तक ख़त्म नहीं होगा जब तक पाकरू का बहाव, पाकरू की बेदारी कसरत से नहीं आती। और बेदारी का नतीजा क्या होता है कि लोग तौबा करते हुए उसकी तरफ आ जाते हैं, लोग अपने गुनाहों से तायब हो जाते हैं, अपने गुनाहों की वजह से वो उस पाकीजगी के सामने ठहर नहीं सकते, और फिर वो उसके पास आते हैं, वो आंसुओं के साथ तौबा करते हैं और फिर उनके अंदर पाकरू का फल पैदा होना शुरू होता है। यही बहाली है, यही आजादी है। अगर ये हमारी दुआओं के नतीजे में नहीं हो रहा या हमारी दुआएं इस समत में नहीं है, इस रुख में नहीं है, तो फिर शायद हम अभी खुदा की मर्जी के मुताबिक दुआ नहीं कर रहे हैं। खुदा की मर्जी ये है कि इस वक्त के अंदर पिछली बरसात के लिए दुआ की जाए, और पिछली बरसात जो है मैंने आपको बताया, एक तो खुदा के तालीम और दूसरा पाकरू। अब तालीम के हवाले से एक छोटी सी बात करता हूँ, फिर हम आगे चलते हैं। अक्सर लोग ये कहते हैं कि जी आखिरी दिनों के अंदर खुदा के कलाम का काल पड़ जाएगा। आपने भी सुना होगा, कई लोगों को मैंने प्रीच करते इस पर सुना है, इवन के कुछ गीत भी बन गए हैं, एक दो गीत तो बड़े मशहूर हुए हैं जो इस कॉन्सेप्ट पे हैं कि आखिरी दिनों में खुदा के कलाम का काल पड़ेगा। हालांकि ये गलत है, ऐसा कहीं नहीं लिखा बाइबल के अंदर। जिस जगह का हवाला दिया जाता है, आए जरा वहां पे देखें, आमोस की किताब, आमोस की किताब उसका आठवां बाब है और उसकी ग्यारहवीं आयत है। इस चीज को गौर से देखिएगा। देखो वो दिन आते हैं कि मैं इस मुल्क में कहत डालूंगा, ना पानी की प्यास और ना रोटी का कहत, बल्कि किस चीज का कहत, गौर से सुनिएगा क्या लिखा है। अगर कलाम आपके सामने है तो हाईलाइट कीजिए इस चीज को, क्योंकि ये अक्सर गलत प्रीच किया जाता है। लिखा है, बल्कि खुदावंद का कलाम सुनने का, आमीन। किस चीज का कहत है? खुदावंत के कलाम के सुनने का। और आखिरी दिनों की निशानी के हवाले से ये कहा गया, अनाजील के अंदर भी और पालूस रसूल भी अपनी तालीम में ये बताता है कि लोग आखिरी दिनों के अंदर मन पसंद की तालीम की तरफ जाएंगे,
वो मन पसंद उस्ताद चुन लेंगे जो उनको ऐसी बातें बताएं, ऐसी तालीम दें जिनसे उनका दिल खुश हो। लोग कहेंगे कि सलामती सलामती और हर तरफ सलामती है और सब कुछ ठीक है, कुछ नहीं होगा। ये गलत तालीम है। खुदा के कलाम का कहत उस वक्त तक नहीं पढ़ सकता जब तक खुदा का पाकरू इस जमीन पर मौजूद है। जब खुदा का पाकरू उठा लिया जाएगा तो फिर कलाम का नजूल भी नहीं होगा। फिर जाहिर है खुदा के कलाम का वो सोर्स ही नहीं रहेगा जो हम तक कलाम को पहुंचाता है। अब यहां पे बात हो रही है खुदा के कलाम के सुनने का। सुनने का कहत पड़ा है लोग सही तालीम की, एक तो वो उसकी उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते, सही तालीम को सही तालीम की तरफ आते ही नहीं है। बहुत ज्यादा लोग चर्चिस के अंदर वो सिर्फ कहानियां सुनने के आदि हैं। मूसा की कहानी एक इतवार सुना दी, अगले इतवार एलिया की कहानी सुना दी, अगले इतवार किसी और चीज की कहानी सुना दी, कोई मौजा सुना दिया। लोगों को सिर्फ इस पर लगाया गया है कि उन्हें दूध पर दूध दिया जा रहा है, उन्हें सख्त खुराक की तरफ नहीं लाया जा रहा कि वो कहीं तंदुरुस्त ना हो जाए। खुदा ऐसे लोगों को अलहदा करेगा जो तंदुरुस्त होना और तंदुरुस्त रहना चाहते हैं, और ऐसे लोग सफर करेंगे जो सिर्फ और सिर्फ दूध पर गुजारा करना चाहते हैं। उनके कानों में खुजली होती है अगर उनको सही तालीम दी जाए, वो कानों में उंगलियां डालते हैं और वो उस सही तालीम की बर्दाश्त नहीं कर पाते और उस तरफ आते नहीं है। मैं आपको अजीजो ये बताना चाहता हूं, खुदा के कलाम की तालीम अगर सही आप ले रहे हैं तो आप के अंदर वो ग्रोथ पैदा करेगा, आप अपने अंदर बढ़ोतरी जो है उसे महसूस करेंगे और आप बढ़ेंगे और आप खुदा की मर्जी को समझ पाएंगे कि अब मुझे क्या करना है, अब मुझे कहाँ पे खड़ा होना है। वक्त के साथ साथ जो अनॉइंटिंग का मसा का लेवल है वो बढ़ता चला जाता है, और आखिरी वक्तों के लिए हमारे नस्ल के लिए लिखा है कि हमारे बच्चे मसा के इस लेवल पर होने चाहिए कि वो अफई के बिल में हाथ डालें। इस कदर स्ट्रॉन्ग लेवल पे हमें लड़ाई करने के लिए बुलाया गया है, और उसके लिए अगर हम सही तालीम को नहीं लेते, स्ट्रॉन्ग तालीम को नहीं लेते, खुदा के कलाम की साउंड डॉक्ट्राइन हम नहीं समझते तो फिर हम रह जाएंगे। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा खुदा के पाक रूह के ताबे, वही अच्छा और बेहतरीन उस्ताद है जो आपकी रहनुमाई कर सकता है और आप वो आपको बरकत पर बरकत दे सकता है। मेरे पास थोड़ा सा और वक्त है, आगे की तरफ बढ़ते हैं कि असल में खुदा भी फरावानी देना चाहता है, खुदा भी कसरत देना चाहता है, खुदा भी हमें हर चीज में अबंडेंस देना चाहता है, और वो चाहता है कि पिछली बरसात जोर से हम पर नाजल करे और बेदारी का बड़ा काम इस दुनिया के अंदर शुरू हो। एंड टाइम रिवाइवल जो है जिसके लिए खुदा लोगों को तैयार कर रहा है, उस बड़े एवेंजेलिज्म के लिए उसमें हम शामिल हो जाएं, तो उसके लिए हम करें क्या, नॉर्मली हम करते क्या है। देखें एक हवाला देखते हैं फिर इस पे आगे बात करते हैं। ये यशायाह 44वां बाब देखते हैं, ये यशायाह 44वां बाब है और उसकी तीसरी आयत है, चैप्टर 44:3 लिखा है, क्योंकि मैं प्यासी जमीन पर पानी उंडेलूंगा और खुश्क जमीन में नदियां जारी करूंगा, मैं अपनी रूह तेरी नस्ल पर और अपनी बरकत तेरी औलाद पर नाजिल करूंगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। प्यासी जमीन पर मैं पानी उंडेलूंगा। जब तक जमीन प्यासी नहीं होती बारिश नहीं आती, जब तक जमीन तड़पती नहीं है, जमीन आहो नाला नहीं करती, जमीन पुकारती नहीं बारिश को, वो बारिश कभी नहीं आएगी। अगर हमें हम चाहते हैं कि अब वो पिछली बरसात जो है वो बरसा दी जाए, अब वो वक्त है कि वो पिछली बरसात कसरत से आए, हम फरावानी में आना चाहते हैं, हम सराब होना चाहते हैं, हम कसरत का मजा लेना चाहते हैं, तो हमारी जमीन, दिल की जमीन जब तक प्यासी नहीं होगी वो बारिश नहीं आएगी। कलाम में जमीन सिंबॉलिकली
इंसान को जाहिर करती है, और इंसान के लिए ये लिखा है कि वो आए आगे और वो जो है वो सैराब होना चाहता है। आप दाऊद को देखें, वो अपने जबूरों के अंदर और जबूर 42 का जो जबूर नवीस है वो क्या कहता है, वो कहता है जैसे हरनी पानी के नालों को तरसती है मेरी जान तेरी प्यासी। अगर हमारी रूह उसके लिए नहीं तड़प रही, हमारी जान उसके लिए नहीं तरस रही, हम नहीं चाह रहे कि वो पिछली बरसात बरसाए, तो फिर मत तवक्को करें कि वो खुद ब खुद ऐसा करेगा। हाँ, वो लोग जो ये चाहते हैं उनके लिए तो वो बरसात जरूर बरसेगी, लेकिन ऐसे लोग जो प्यासे नहीं है उसके लिए, वो जमीन जो उसके लिए तरसती नहीं है और प्यासी नहीं है, वो कभी उस जमीन उस बारिश की तवक्को ना करे। ना तो उस पर बारिश होगी, और अरसा दराज बारिश ना होने से जमीन पथरीली होती चली जाती है, जमीन बंजर होती चली जाती है। हो सकता है कि अरसा दराज से आपने उसकी हजूरी का वो हंस ना उठाया हो, अरसा दराज से आपने पाकरू के साथ मुलाकात ना की हो, और आपके दिल की जमीन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बंजर हो गई, वो सख्त हो गई है, और अब वो उस कलाम को कबूल नहीं करती कि जहाँ पे खुदा की हजूरी आकर ठहरती है। अब वो उस बीज को कबूल नहीं करती कि जिस पर पानी बरसाया जाए, बारिश बरसाई जाए और वो फलदार हो। तो आपको सिर्फ ये करने की जरूरत है, एक दफा उसकी हजूरी में आए, उंडेले अपने आप को, माफी मांगे अपने गुनाहों की, और इस बात की भी कि आपने प्रेयरलेसनेस में वक्त गुजारा है, आपने दुआ नहीं की है। बहुत सारे और लोग सोचते होंगे कि शायद हम तो रोज सुबह के वक्त दुआ करते हैं, रोज शाम के वक्त सोने से पहले दुआ करते हैं, हमने तो मुख्तलिफ औकात रखे हुए हैं दुआओं के, हम तो चर्च नहीं मिस करते, हम तो हर वक्त जाते हैं। खुदा इन चीजों को नहीं देखता। ये दुआ आपकी जिंदगी के अंदर क्या तब्दीली ला रही है, आपका रवैया, आपकी रूह के अंदर क्या तब्दीली आ रही है, क्या आप नए मखलूक बन रहे हैं, क्या आप बेहतर से बेहतर हो रहे हैं, क्या आपके खानदान के अंदर वो इम्पैक्ट आ रहा है दुआ का। अगर नहीं है तो फिर ये दुआएं सिर्फ रूखी सूखी हैं, बगैर बारिश के ये दुआएं हैं, और ये बारिश, ये दुआएं जो हैं ये आपकी जमीन को सैराब नहीं कर रही, ये सिर्फ वक्त गुजार रही हैं। और कैसे ये कर रही हैं, ये पैदाइश में जरा इसको देखिएगा। पैदाइश में अगर हम देखें शुरू में उसके दूसरे बाब की तीसरी आयत देखते हैं, मैं नॉर्मली कोशिश करता हूं कि 2-3 वालों से ज्यादा ना देखा जाए, ताकि वो मतलब सबको याद भी रह सके, लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसको देखिएगा, दूसरे बाब की 5वीं आयत में लिखा है, और जमीन पर अब तक खेत का कोई पौधा ना था, और मैदान की कोई सब्जी अब तक उगी ना मैदान की कोई सब्जी अब तक उगी थी, क्योंकि खुदावंद खुदा ने जमीन पर पानी नहीं बरसाया था। वहां पे हरियाली, सब्जा, पैदावार, जरखेजी, ये सब कुछ नहीं था, क्योंकि बारिश नहीं बरसी थी। और क्यों नहीं बरसी थी, और ना जमीन जोतने को कोई इंसान था, हालेलुया, गैप में खड़ा होने के लिए कोई इंसान नहीं था, कोई इंसान नहीं था कि जो अपने आप को पेश करे और वो जमीन को नरम करे ताकि खुदा उस बारिश को बरसाए। इस वर्ष से भी आप देख सकते हैं कि जब तक हम अपनी जमीनों को नरम करके उसके सामने पेश नहीं करेंगे, या खुदा के पाकरू को अलाव नहीं करेंगे कि वो आए और इन जमीनों को नरम करें, ये नरम कैसे होंगे, सिर्फ तौबा करने से। अगर आपने दुआ नहीं की अरसे से, तौबा करें। अगर आप गुनाह में जिंदगी बसर कर रहे हैं, तौबा करें। अगर आप खुदा की मर्जी के मुताबिक जिंदगी बसर नहीं कर रहे और दुआएं नहीं कर रहे तो तौबा करें। अगर आप सिर्फ एक सुपरफिशियल लाइफ गुजारे, एक सताई मसीही की जिंदगी, जो इतवार के इतवार चर्च आता है, बातें अटेंड करता है, भाइयों से मिलता है और रफाकत रखता है और सब कुछ कर रहा है, लेकिन एक दूसरी लाइफ, हकीकी लाइफ वो गुनाह में गुजार रहा है, तो तौबा करने की जरूरत है। सिर्फ ये चाहिए, ये कहने की देर है आपकी, खुदा का रूह तैयार है कि वह आपके दिलों को छू ले और आपके दिलों की जमीन को नरम कर दे। और जिस तरह हिस्किया नबी के सीफे में लिखा है, खुदा ने कहा कि मैं उनके अंदर से सख्त दिल निकाल के गोश्त दिन दिल दूंगा, और फिर हिस्किया में लिखा है कि मैं अपने आईन उनके दिल पे लिखूंगा। हालेलुया, खुदा का कलाम जब आपके दिल के अंदर ठहरेगा तो हमेशा कलाम पे खुदा की हजूरी आकर ठहरती है। पाकरू को भी वही बीज चाहिए कलाम का, कि आपके
दिलों की प्यासी जमीन में वो बो दिया जाए और फिर वो कसरत की बरसात लेकर आए ताकि वो बीज फलदार होता चला जाए। अगली बात देखिए, यहाँ पे लिखा है जमीन जोतने को कोई इंसान नहीं था, तो हो क्या रहा था वहां पे, बल्कि जमीन से कुहर उठती थी और तमाम रुए जमीन को सैराब करती थी। जमीन से ही सिर्फ कुहर उठती है, ओस उठती है और वो उसी को सैराब कर देती है। अब यहां पे इस बात को समझने की जरूरत है, कुहर जो है वो ओस जो है वो थोड़ा सा हल्का सा पानी है, वो कसरत या फरावानी नहीं है। आजकल हमारी भी ये हालत है, हम उन छोटी छोटी थोड़ी थोड़ी बरकात जो आरजी हैं, जो यहां पे रह जाएंगी, जिनका कोई फायदा नहीं है हमें अब्दियत के अंदर, जो हमारे साथ नहीं जाएंगी, हम उन्हीं में ही खुश रहते हैं। वही कोहर वही ओस हमें सैराब करती रहती है और हम उसी में खुश होते रहते हैं कि बस ठीक है, सब कुछ चल रहा है। अगर मेरे पास सब कुछ है तो मैं कहता हूँ ये खुदा की बरकत है। आज मेरे पास टाइम नहीं है, मेरा दिल ये चाह रहा था कि मैं जरूर इस पे बात करूं कि बरकत असल में है क्या। अक्सर लोग ये कहते हैं आजकल टीवी चैनल्स पे, जी ये करें और अपनी ब्लेसिंग हासिल करें, ये करें और ब्लेसिंग हासिल करें। मैं तो बाज़ औक़ात बड़ा उकता जाता हूँ ये लफ्ज़ सुन के कि लोग समझते नहीं है कि ये असल में है क्या, और वो इसका जिक्र करते रहते हैं। तो बड़ा एक खूबसूरत मजमून और बात है ये, फिर मौका मिला तो इस पे बात करेंगे। हमें अपनी कुहर से ही सैराब नहीं होना है, हमें कसरत की उस बारिश की तवक्को रखनी है। वो बारिश अगर नहीं आती, हमारे दिलों की ज़मीन की सब्जी नहीं उगेगी, पैदावार नहीं होगी। हल जोतने को इंसान चाहिए, इंसान को गैप में खड़ा होना है। खुदा कुछ नहीं करता जब तक इंसान का कोई हिस्सा उसमें ना हो, ये याद रखिए। कोई नबूवत उठा के देख लें, कोई नबूवत इंसान के हिस्से के बगैर पूरी नहीं हो रही। जो यीशु लाजर को जिंदा कर सकता है, क्या अपनी आवाज से पत्थर नहीं हटा सकता था? लेकिन पत्थर हटाने के लिए उसने इंसानों को कहा कि तुम पत्थर हटाओ। बहुत सारी और मिसालें मैं आपको दे सकता हूं, लेकिन मैं अपने मजमून पे रहना चाहता हूँ। आपका अपना हिस्सा ये है, आपकी मर्जी, आपकी फीलिंग्स, अपने आप को हाजिर करें उसकी हजूरी के अंदर, आपकी दुआएं फ्रूटफुल होंगी। और जो बिल्कुल खुदा के साथ एक तंदुरुस्त जिंदगी गुजार रहे हैं, एक बेहतरीन जिंदगी रूहानी तौर पे गुजार रहे हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि उनकी दुआओं का रुख जो है वो पिछली बरसात की तरफ हो जाना चाहिए, और आए मिलकर गिड़गिड़ाना शुरू करें खुदा की हुजूरी में, और मांगना शुरू करें और खुदा से कहें कि वो पिछली बरसात को कसरत से बरसा दें। अगर कहीं पर मेरे लिए मेरी वजह से कोई रुकावट है, मेरी वजह से कहीं पर कोई मसला है, तो खुदा का पाक रूह से मुझ पर जाहिर करे, मैं उसके लिए तौबा करूंगा। मैं गुजारिश करूंगा कि पिछले जो दुआ के ऊपर मैसेजेस थे उनको जरूर सुनिएगा, ताकि आपको एक अच्छा आपको व्यू मिलेगा, समझ आएगी। अब ये उम्मीद है मैं इसके बाद किसी और टॉपिक पे आपके साथ बात करूंगा, दुआ पे नहीं। तो मैं आप सिर्फ इसका एक खुलासा आपके सामने रखता हूँ, फिर इसको क्लोज करते हैं। पिछली बरसात खुदा के पाक रूह को और खुदा की तालीम को जाहिर करती है। खुदा हमें सलाह देना चाहता है, खुदा अपनी तालीम यानी अपना कलाम हमें देना चाहता है, खुदा पाक रूह की बरसात को कसरत से बरसात देना चाहता है। बेदारी का एक बड़ा काम खुदा चाहता है शुरू, लेकिन उस वक्त तक शुरू नहीं होगा जब तक इंसान वो ज़मीन जिसे खुदा देख रहा है वो तैयार नहीं हो जाती। और ज़मीन तैयार कैसे होगी? जब वो रिफ्यूज़ कर देगी कि नहीं, मुझे अपने कोहर से ही सैराब नहीं होना, मुझे अपनी इन छोटी छोटी बरकात पे नज़र नहीं रखनी है बाप, मुझे तुझ पर नज़र रखनी है, और हाँ मेरी दिल की ज़मीन प्यासी है और मैं चाहता हूँ कि पिछली बरसात कसरत से बरसा दी जाए, और वो बरसात इस कदर कसरत से आए कि वो कभी ख़त्म ना हो और वो सबको अपनी लपेट में ले ले। बरसात ना होना खुदा की नाराज़गी की निशानी है।
استثنا 28 باب کی 24 آیت میں آپ پڑھ سکتے ہیں، اس کا ذکر میں آلریڈی کر چکا ہوں. آپ ضرور اپنے آپ کو فراوانی اور کثرت کے لیے تیار کریں. ہمارا خدا ونڈنس کا، فراوانی کا اور کثرت کا خدا ہے. آمین. خداوند آپ سب کو برکت دے. اس وقت ہم دعا کریں گے. ایک ریکویسٹ آئی تھی بھائی بینجمن نائلا، اف آئی ایم پرناؤنسنگ اٹ رائٹ، ادروائز سوری برادر. تو ان کے بچوں کے لیے دعا کرنی ہے، سینڈرین بینسن کے لیے. نائٹ میئرز ہیں، رات کو وہ ڈسٹرب ہوتے ہیں، اس کے لیے دعا کریں گے. اگر کوئی اور پریئر ریکویسٹ ہے تو آپ اسی وقت کمنٹ لکھ سکتے ہیں. آئی ویٹ فار یو اے فیو سیکنڈس، اور پھر اس کے بعد جو ہے ہم دعا کریں گے. ہالیلویا. امید ہے آپ سب نے برکت پائی ہوگی اس سے. کوئی کوشچن ہو ان میسیجز کے حوالے سے، کوئی چیز کلیئر نہیں ہے، تو آپ جنید صاحب سے، مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. یہاں پہ آپ لکھ سکتے ہیں، میں ضرور کوشش کروں گا کہ اس کو ایکسپلین کر سکوں، ان چیزوں کو دوبارہ. جی ابھی تک کوئی اور کمنٹ نہیں آیا. جی بھائی سلیم اور بھائی ارشد، ان کی صحت کے لیے بھی دعا کرنی ہے. رائٹ سر، آئیں اپنے سروں کو جھکائیں، آنکھوں کو بند کریں، اور یہ پریئر ریکویسٹ ہم خدا کے سامنے لے کر آتے ہیں. مل کر خدا کے سامنے یہ چیزیں رکھتے ہیں. وہی ہمارا پالنہار ہے، وہی ہے جو دعاؤں کا جواب دیتا ہے، اور بڑے ایمان اور امید کے ساتھ اس کے سامنے آتے ہیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ وہ خشک چٹانوں سے پانی مہیا کرنے کی قدرت رکھتا ہے، وہ بیابانوں کے اندر من برسا دیتا ہے. ہالیلویا، ہالیلویا. پیارے آسمانی باپ، تیرا شکر ادا کرتے ہیں، یسوع کے قادر نام سے تیرے سامنے حاضر ہوتے ہیں. تو بھلا ہے، تو مبارک ہے، ہم تجھے دھنیاباد کرتے ہیں. اور آج کے اس وقت کا حمد و ستائش کا، کلام کے سنائے جانے اور سنے جانے کا سارا عزت اور جلال ہم تجھے دیتے ہیں خدا. کلام کا یہ بیج بڑھتا چلا جائے، ہم بڑی پیاس کے ساتھ، روح کی بھوک کے ساتھ، شدت کے ساتھ تیرے طالب ہوں، اور تو اس پچھلی برسات کو کثرت سے برسا دے. مجھے ضرورت ہے، میرے گھرانے کو، بچوں کو، میرے دوستوں کو، ان بھائیوں کو، تو بہنوں کو جو اس وقت لائیو ہیں، جو سن رہے ہیں، جو بعد میں سنیں، سب کو ضرورت ہے، اس دنیا کو ضرورت ہے کہ یہ بحال کر دی جائے. یسوع کے نام سے میں منت کرتا ہوں، کثرت کی برسات کو کثرت سے آنے، اس پچھلی برسات کو کثرت سے آنے. تیرا شکر ہو، ہمارے دلوں کے خزاں، ہماری زندگیوں کی خزاں اس پچھلی برسات کے باعث بہار میں بدل جائے، تیری فراوانی اور کثرت آئے. ہالیلویا. مسیح کو سمجھ میں بڑھنے کی کثرت آئے، اور مسیح یسوع کی ذات کا مکاشفہ ہر ایک پر کھلتا چلا جائے. تیری جائے. سارے عزیزوں کے لیے تیرا شکر ہو، جو لائیو تھے، جنہوں نے سنا، جو سنیں گے، ان سب کو برکت دے. اس ٹیکنالوجی کے لیے تیرا شکر. ایم جی ٹی وی کو برکت دے. پاسٹر جنید کو، بھائی عامر، ساری انتظامیہ کو یسوع کے نام سے کثرت سے برکت دے. تیرا شکر ہو. پیارے پتا، اس وقت مل کر ہم بھائی بینجمن، ان کے بچوں کو، گھرانے کو تیرے سامنے لاتے ہیں، یسوع کے قادر نام ہے. دشمن، میں تجھے کمانڈ کرتا ہوں اس گھر، ان کی زندگیوں سے یسوع کے نام سے دور ہو. یسوع کے قادر نام میں تو دوبارہ کبھی نہ آئے، یہ نائٹ میئرز کبھی نہ آئے. تیرے فضل سے پیارے یسوع یہ بچے میٹھی نیند سوئیں، اور میں منت کرتا ہوں تیرے پاک روح کی باڑھ ان بچوں کے چوکیر، اس گھرانے کے چوکیر. تیرا شکر. یسوع کے قادر نام میں پیارے بھائی سلیم کو، بھائی ارشد کو میں تیری حضوری میں لاتا ہوں. تیرے فضل سے خداوند ان کی صحت کی بحالی تیری حضوری سے مانگتا ہوں. تو چاہتا ہے کہ تیرے لوگ صحت مند ہوں، تندرست ہوں، توانا ہوں. میں یسوع کے نام سے تیرا خادم ہوتے ہوئے انہیں برکت دیتا ہوں کہ یہ صحت مند اور توانا ہوتے چلے جائیں. جسم کی ساری کمزوری، بیماری یسوع کے نام سے دور ہو. ہالیلویا. یہ زندگیاں بحال ہوں، اور تیرا جلال کثرت سے سن. ہمیں کوئی کمزور، کوئی رہا ہوا معلوم نہ ہو، بلکہ خداوند ہم سورما، زور آور
और बढ़ते चले जाएं तेरी कुदरत और कसरत के लिए। तेरा शुक्र यीशु के कारण आमीन। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह को तेरी मर्जी जैसे आसमान पर जमीन पर, रोज की रोटी आज हमें, जिस तरह हम अपने कर्जों को मुआफ करते हैं तुम्हारे कर्ज है मुआफ, मैं आजमाइश में ना बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत और जलाल हमेशा आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, तब आपकी मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत और शराकत हम सब के साथ, उसके मुकद्दसीन के साथ, सारे बहन भाई जो इस ब्रॉडकास्ट में मौजूद थे उन पर, और आने आइंदा दिनों में जो सुने उन पर, और उन सब पर जो यीशु के नाम से दुख उठाते हैं, और बनी इसराइल पर हमेशा होंगे। आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया, खुदा आप सबको बरकत दे, और खुदावंत की मर्जी है तो फिर मिलेंगे। कल फ्राइडे है, कल हमारा टीचिंग सेशन होता है आप जानते हैं, जिसमें पास्टर नवीद साहब, पास्टर जुवेद तारा साहब, ताहिर साहब और पास्टर जुनेद उसको होस्ट करते हैं। हम चारों भाई मिलकर खुदा के कलाम की तालीमी बातें जो हैं वो लेकर आते हैं, और आप जानते हैं कि मुखालफ मसीह के वाले से मजमून चल रहा है। कल बड़ी दिलचस्प और गहरी बातें होंगी। पिछले जुमे हम सिर्फ उसको इंट्रोडक्शन दे पाए, और इस जुमे हम थोड़ा गहराई के अंदर जाना चाहते हैं और समझना चाहते हैं कि ये एंटी क्राइस्ट है क्या, और कैसे काम करता है, और अब ये कैसे काम कर रहा है, और कैसे हम इसको समझ सकते हैं। ज़रूर जोक दर जोक आए, दूसरों के साथ शेयर करें, यही कलाम की तालीम है जो आपको मजबूत करेगी। और आप, मैं उम्मीद करता हूँ कि कल के बाद भी जब आप डिस्कशन को सुनेंगे, आप अपने अंदर बहाली महसूस करेंगे, और आप समझ पाएंगे कि हाँ ये एंटी क्राइस्ट कौन है, और मुझे इसका कैसे मुकाबला करना। तो आपको बहुत बरकत दे, और कल आपका इंतज़ार करेंगे इसी चैनल पर 9:30 पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक, और 8:30 UAE के वक्त के मुताबिक। विल ट्राई टू बी ऑन टाइम। आप भी जल्द आइए और बरकत में। तो आप सबको बरकत। थैंक यू सर, थैंक यू एवरीवन।